नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे कंसंट्रेशन के विषय में, एकाग्रता के विषय में। कंसंट्रेशन का लैक ऑफ कंसंट्रेशन आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। व्यक्ति काम कुछ कर रहा है, सोच कुछ रहा है, उससे उसका उस काम का आउटपुट घट रहा है। कभी एक दौर कभी होता है, जैसे हमारे जीवन में तो नहीं आया लेकिन बहुत लोगों के जीवन में ऐसा आता है कि वो क्लास में बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला गया, अपने क्लास में किसी और पे चला गया और वो ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं बात को। तो यह जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है कि आप करना कुछ चाह रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, तो यह जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है यह एक समस्या है। आज हम बताएंगे साथियों आपको ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, यानी कि कंसंट्रेट करने की, एकाग्र करने की अपने आप को 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। और ये घटना बड़ों में भी हो सकती है कि साहब काम कहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने बॉस के बारे में और काम कर रहे हैं, दूसरा सामने कंप्यूटर पर, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो उस गड़बड़ को रोकने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। हम आपको बताते हैं 10 कारगर दवाएं जो आपके जीवन के आउटपुट को बढ़ाएंगी, आपकी दिमाग को बेकार की बातों से हटा के अपने फोकस पे लाएंगी, क्योंकि आजकल आउटपुट बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं, बनिए की नौकरी है, उसको आप 10 लाख कमा के दोगे तो वो आपको 1 लाख तनख्वाह देगा। ये फैक्ट है, एक सत्य है। आप उसको 10 गुना आउटपुट दोगे तो आप उसको उसका कुछ हिस्सा आपको देगा। तो और अगर आप जिस दिन आप वो आउटपुट नहीं दे पाए, उस दिन आप उसके लिए रिटायर हो, अगले दिन वो एक कागज़ थमा देगा आपको, साहब कल से ना आइएगा, या आपका डिग्रेडेशन कर देगा। आप पा रहे थे 1 लाख रुपए, आपने खर्चे परिवार के 1 लाख रुपए से सेटल कर लिए, सब लोन ले लिया और दुनिया भर की पॉलिसी जो आजकल ये MBA वाले बेच रहे हैं, ये सब जो है वो करने लगे, और जो फिर ओवर बजट हो गया और फिर आप डिक्रीज पर आ गए। तो अपने कंसंट्रेशन को आप ज़्यादा ना होने दें, खराब ना होने दें, इसके लिए कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों, क्योंकि लैक ऑफ कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा विषय, इसमें ADHD भी आता है बच्चों के लिए, जो कि एडल्ट्स में भी पाया जाता है, तमाम बातें आती हैं। तो अगर ज़्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको होम्योपैथी में लैक ऑफ कंसंट्रेशन को दूर करने की, यानी कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ाने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों लैक ऑफ कंसंट्रेशन में कि व्यक्ति जो है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया और वो फॉरगेटफुल हो गया। अगर यह स्थिति साथियों हो लैक ऑफ कंसंट्रेशन में, तो उसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आप एनाकार्डियम ओरिएंटेल 200 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में दे सकते हैं जब आपके कंसंट्रेशन ख़त्म हो रहा हो और आपका माइंड डिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो एनाकार्डियम 200 बहुत अच्छी दवा है, यह आपको लाभ दे देगी। एक और बहुत कारगर, बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है इसमें एनाकार्डियम के मरीज की, कि वह एब्सेंट माइंडेड होता है, उसका माइंड फोकस नहीं रहता है और एंशियस होता है, उसमें एंजाइटी पाई जाती है। तो अगर यह सिम्टम आप में है कि आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन है और आपको एंजाइटी है और फॉरगेटफुलनेस है, तो होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा आपको ठीक करने और आपके कंसंट्रेशन को वापस अपने फोकस पे लाने के लिए एनाकार्डियम 200 है। फिर साथियों एक स्थिति आती है होम्योपैथी में कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऐसा है कि कुछ भी सोचने लग गए, वाइल्ड थॉट्स, कि होश नहीं है क्या सोच रहे हैं, कुछ भी सोच लिया। जैसे कि साहब अपना काम कर रहे हैं, अचानक सोचने लगे हमें मोदी जी बन जाएंगे, हम ये करेंगे, पार्लियामेंट को इस रंग का पेंट करवाएंगे, इस तरह के वाइल्ड थॉट्स। खैर मोदी जी तो कोई भी बन सकता है लेकिन सोच के नहीं बन सकता, शायद उसके लिए जो तपस्या चाहिए, हम लोग उसके कैपेबल हो ना हो ये विवाद बात का विषय है। तो इस तरह की जो वाइल्ड थॉट्स आती हैं कि हम ट्रम्प बन जाएं तो हम जो है वो क्या करेंगे, देश कहाँ एटम बम से किसको उड़ा देंगे, इस तरह की जो वाइल्ड थॉट्स आती हैं, इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें
आपका जो वाइल्ड थॉट्स हैं ये ख़त्म होंगी और आप अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को एक चित्त में कर पाएंगे। फिर साथियों, कंडीशन आती है कि आपकी प्री मेच्योर एजिंग होने लगी, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है और आप महसूस कर रहे हैं आपको प्री मेच्योर एजिंग हो रही है, मतलब पूरा शरीर ही जो है एज कर रहा है, आपके बाल भी सफ़ेद होने लगे, आपका कंसंट्रेशन भी ख़त्म हो गया, आपका आईसाइट भी वीक होने लगी, आपका स्किन भी लटकने लगी, झुर्रियाँ आने लगी, सब कुछ होने लगा। तो अगर यह स्थिति हो और आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा साथियों है एम्ब्राग्रेसिया। आप एम्ब्राग्रेसिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी ख़त्म होगा, एकाग्रता आप में आएगी, आपका चित्त एकाग्र होगा और आपकी एंटी एजिंग भी रुकेगी, एजिंग रुकेगी और आप वापस अपने थोड़े यूथ की तरफ बढ़ेंगे। फिर साथियों, एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन की स्थिति आती है कि आपको पुराने दौर की अपनी बातें याद आ रही हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी, गलत हुआ होगा, बुरा हुआ होगा या आपके हिसाब से बुरा हुआ होगा, तो आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप में है, एकाग्रता नहीं है। अगर वह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिडम नाइट्रिकम। आप एसिडम नाइट्रिकम यानी नाइट्रिक एसिड की 200 पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे वीकली ले लें तो आपको जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है उस एहसास के कारण कि उस कंपनी में मेरे साथ बुरा हुआ था, उस कंपनी में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ था, उन लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी थी और आप जो अपनी नई कंपनी है उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एसिडम नाइट्रिकम आपको ठीक करके आपको लाभ पहुँचा देगी। फिर साथियों, एक दवा आती है जब बच्चा जो है फिजिकली मेंटली दोनों वीक हो और उसका कंसंट्रेशन ना हो रहा हो, अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ब्राइटा कार्बोनिकम। आप ब्राइटा कार 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार बच्चे को दे सकते हैं व्हेन ही इज़ ड्वार्फिश फिजिकली एंड मेंटली। वो फिजिकली और शारीरिक तौर पर और दिमागी तौर पर दोनों रूप में वह कम विकसित है और उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, तो ब्राइटा कार ड्रग ऑफ चॉइस है, यह देख के आप लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, व्यक्ति कहता है हम अपने घर से दूर हैं और घर जाना चाहते हैं, घर पे निकलता है तो कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा रहता है और घर के बाहर निकलता है तो कंसंट्रेशन बहुत ख़राब हो जाता है। अगर यह फीलिंग आ रही है कि घर पहुंच के हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, बाहर काम नहीं कर पाता, घर में काम कर लेता है बहुत अच्छा, विदेशों में तो खैर एक ट्रेंड भी है शायद कि आपको काम करना है चाहे आप घर बैठ के करो चाहे बाहर, उन्हें अपना टारगेट चाहिए, तो शायद विदेशियों ने यही सोच के बनाया होगा, हम लोगों से वो 100 साल आगे की सोचते हैं तभी हम लोगों पे राज भी कर गए, लेकिन अब हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इस बात में भी दो राय शायद नहीं है। तो अगर आप बाहर आप कंसंट्रेशन कम है और अपने घर आके कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो जाता है लेकिन आउटसाइड में आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ब्रैनिया है। आप ब्रैनिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों, एक स्थिति आती कि आप बहुत डिप्रेस हैं और आपके कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो अगर यह स्थिति हो कि आप बहुत डिप्रेस हो और आपके कंसंट्रेशन ना हो रहा हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है इक्थायोलम। आप इक्थायोलम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आप अपने में डिप्रेशन महसूस करते हैं और उससे आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, आपका चित्र एकाग्र नहीं हो पा रहा, आपकी एकाग्रता में कमी है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए उस स्थिति की दवा इक्थायोलम है। इसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों, एक स्थिति आती है बहुत लोग गाड़ी चलाने से डरते हैं, उनमें एक भावना रहती कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंटल भावना जो आती है मन में और उसके कारण आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे नहीं कर पाते हैं, उसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ऑस्मियम। आप ऑस्मियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके वो जो ड्राइविंग की दिक्कत है अपने में उसको सही करके आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, तो ऑस्मियम बहुत अच्छी दवा है जब आपको ड्राइविंग के समय कंसंट्रेशन ना होता हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग। फिर एक स्थिति आती है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा आप स्कूल में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपकी थॉट स्टेबल नहीं है, आप कुछ काम कर रहे हैं उस पर आपने सोचा और सोचने के बाद आपके फिर दिमाग कहीं और चला गया, तो अगर यह स्थिति है आपके कि आपकी थॉट स्टेबल नहीं है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत और दवा का नाम है इरिडियम मेटालिकम। आप इरिडियम मेटालिकम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस स्थिति में ही जब आपकी थॉट स्टेबल नहीं है,
आप जो सोच रहे हैं वही नहीं रुक पा रहा, पहले कुछ सोचे, दो मिनट में काम करना शुरू करे, कुछ और सोचने लग गए। तो इक्थायलम उसकी दवा है, यह दवा आपको ठीक कर देगी और इस स्थिति से निकाल देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत चल रहे हैं और कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। मतलब विचार आना एक बात है, लेकिन आपके नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए तरह के विचार आ रहे हैं, आपके हजारों आइडियाज़ आ रहे हैं एक मिनट में, और आप कंसंट्रेट किसी बात पे नहीं कर पा रहे, और आपकी स्लीप भी इम्प्रॉपर है। तो होम्योपैथी में इसको समस्या से निपटने की लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बहुत अच्छी दवा है कॉफिया क्रूडा। आप कॉफिया क्रूडा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि जो हजारों आइडियाज़ आ रहे हैं ये थोड़े कम हो जाएंगे। वैसे तो एक बड़ा अच्छा लोगो था, आइडिया सेलुलर कंपनी का बंद हो गई, एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, लेकिन इतने आइडिया हैं कि किसी आइडिया पे आप काम ही ना कर पाएँ तो फिर उन आइडियाज़ का क्या फ़ायदा। तो उस विषय में कॉफिया आपकी मदद करेगी, आइडियाज़ को कम और थोड़ा डिफाइंड कर देगी, और आप जो कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि लाभ आपको वही चीज़ देने वाली है उस पल जो आप कर रहे हैं। तो उसको आप ईमानदारी और तल्लीनता से करें, इसके लिए दवा कॉफिया है। फिर एक स्थिति आती है कि आप सिरा ही भूल गए कि कहाँ से आपने थॉट प्रोसेस, आपका कंसंट्रेशन इतना ख़राब हो गया है कि आप वो थ्रेड सिरा ही भूल गए कि कहाँ से हमें बात को पकड़ना है, क्या कर रहे थे। वापस सोचने की कोशिश करते हैं तो उस बात तक पहुँच ही नहीं पाते। अगर यह भावना, यह स्थिति आप में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मेडोरिनम। आप मेडोरिनम 200 पावर की दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो सिरा नहीं, बात का शुरुआतें नहीं आपको याद रह पा रही, कंसंट्रेशन इतना ख़राब है, इस स्थिति को ठीक करके आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन को ख़त्म कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि कंसंट्रेशन खराब हो गया, बात को भूलने लगे। अगर यह स्थिति आप में हो रही कि आप थॉट को भूलने लगते हैं तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह स्थिति सही हो गई। लाइकोपोडियम की एक बड़ी और बात है, व्यक्ति का कंसंट्रेशन घर में बड़ा ख़राब होता है और बाहर बड़ा कंसंट्रेट कर लेता है। अगर यह कंडीशन है, घर वालों के साथ पोलाइट नहीं रहता, बाहर वालों के साथ पोलाइट रहता है, अगर यह कंडीशन है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लाइकोपोडियम है। आप यह दवा लेके लैक ऑफ कंसंट्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आप दिमाग में एक मिनट में हजारों बातें सोच रहे हैं और आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। अगर यह स्थिति है साथियों कि आप मिनट भर में हजारों बातें आपके दिमाग से होकर गुजर रही हैं और आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैजुपिटम। आप कैजुपिटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हजारों बातें एक बार में आपके दिमाग में दौड़ती हैं जिससे कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, यह ठीक हो गया और आपका दिमाग तो चला लेकिन अपने फोकस पे चला। तो कैजुपिटम बहुत अच्छी दवा है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की, कि जब हजारों विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज एकाग्र नहीं है और उसे अपने पे कंट्रोल भी नहीं है। अगर यह स्थिति हो कि उसको अपने पे नियंत्रण कम हो और उसका कंसंट्रेशन भी कम हो, उसकी कोई विचार का अगला क्या, कोई भरोसा नहीं क्या करेगा, अगर वो स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा ओपियम है। आप ओपियम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका अपने भावनाओं पे कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल, अपने दिमाग पे कंट्रोल, अपने शरीर पे कंट्रोल बहुत बढ़ गया और आप में एकाग्रता आ गई। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बहुत अच्छी दवा साथियों ओपियम भी है, इसको भी आप एक बार लेके प्रयास कर सकते हैं। अगर यह सिम्टम जो हमने बताया है कि अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, यह सिम्टम आप में है। फिर साथियों एक आती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन में एक सिम्टम आता है बड़ा, दोनों में कम अंतर है लेकिन अंतर है लैक ऑफ कंसंट्रेशन में कि फिक्स अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटेंशन उस बात पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। जैसे बच्चा है पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की और फिक्स करने की अटेंशन बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में एथुजा साइनेपियम। एथुजा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप दे सकते हैं अपने बच्चे को या परिवार में किसी को भी अटेंशन को फिक्स करने की दिक्कत हो, एथुजा बहुत लाभ देकर मरीज को ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि बच्चा पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वह औरों के साथ रहना चाहता है, पढ़ाई के साथ नहीं रहना चाहता।
अगर यह स्थिति है तो इसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्कोटेलम। आप स्कोटेलम 32 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने लगा, औरों पे कंसंट्रेशन उसका कम हो गया। तो स्कोटेलम 30 भी बहुत अच्छी दवा है अगर आपके बच्चे का लैक ऑफ कंसंट्रेशन है पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई के प्रति उसकी एकाग्रता नहीं है। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, मरीज बहुत वीक है और वीकनेस के कारण उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो कमज़ोर बहुत है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अगर यह स्थिति साथियों है तो उसको ठीक करने की, उसके कंसंट्रेशन को पुनः, एकाग्रता को पुनः स्थापित करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सेलिसिया। सेलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, आपके शरीर में वीकनेस है, आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी हथेली या तलवों से पसीना बहुत आता है, इन सारी स्थितियों में कारगर दवा आपकी सेलिसिया है, इसको लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों स्थिति आती है कि मरीज में इतनी वीकनेस आ गई, बहुत अधिक कमजोरी आ गई और उससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर यह स्थिति साथियों है कि मरीज में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, उसको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिससे उसको वीकनेस आ गई और वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में कंसंट्रेशन और उसकी वो समस्या, जैसे कि हम एक एग्जांपल दें रीनल फेलियर को ठीक करने की, होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है टेरिबिंथ। आप टेरिबिंथीना 32 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि मरीज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसकी जो डिबिलिटी वाली शरीर की हालत है वह भी ठीक हो गई और उसको स्वास्थ्य लाभ होने लगा। ये साथियों को दवाएं थी होम्योपैथी में लैक ऑफ कंसंट्रेशन को दूर करने की, यानी कि आपकी एकाग्रता जो आप कर रहे हैं उसमें काम को बढ़ाने की। साथियों जैसा हमने बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत बड़ी मेंटल कंडीशन है जिसमें बहुत से डिजीज कवर होते हैं, तो बिना किसी डॉक्टर से पूछे दवा न लें, पता नहीं वो किस फॉर्म का आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415786380 9415786380 पर अपनी क्वेरी को WhatsApp करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं, हमसे आप अपने सवाल का जवाब मांग सकते हैं। आपको साथियों अगर यह प्रयास खूबसूरत लगा हो, प्यारा लगा हो, बातें काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए औरों को प्रेरित करिएगा। अगर आपने ना करा हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट भी क्या, देखिए सामाजिक काम है, मैं रिक्वेस्ट भी आपसे क्यों करूँ, लेकिन हाँ एक आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और भाई डॉक्टरों में कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, शायद इसी कारण मैं आपकी बात को थोड़ा सा शॉर्ट कर गया। तो बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सबसे नए वीडियो आप पाते रहिएगा। और मैं बताऊँ ईगो भी नहीं है साथियों, आज दशहरे का दिन है, हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक अपने वक्त को परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है हमारे भी इससे कुछ लोग दवा मंगाएंगे, लेकिन समाज को इससे लाभ जरूर पहुँचेगा ये निश्चित है। तो इतना कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने से थोड़ा कम बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरहाल आप हमारे साथ इतनी देर रहे, हमारी बातों को सुना, समझा, वक्त दिया, उन पर एकाग्रता से कंसंट्रेट करा, इसके लिए आपका धन्यवाद।